हेलो एवरीवन। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको मतलब क्लासिफिकेशन ही स्टार्ट करा रहा हूँ। क्लासिफिकेशन यानी KDTC रहेगी हमारी क्लासिफिकेशन, और इसमें दोस्तों हम एक एक करके हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक सिस्टम। सिर्फ हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं कुछ लिख के पढ़ा रहा हूँ उसमें। इसमें मैंने PDF खोली हुई है आपके सामने, KDT की PDF त्रिपाठी की PDF जो होती है दोस्तों, जेन्युइन है, ठीक है, जो बुक है, और उसी से मैं क्लासिफिकेशन आपको याद कराने की कोशिश करूँगा कुछ चेक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी कि ANS पे जो ड्रग काम करती है। इसमें दोस्तों आपको पता होगा कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनर्जिक का ही दूसरा नाम होता है दोस्तों, ये हमारा है कोलिनोमिमेटिक या फिर पैरासिम्पेथोमिमेटिक, ठीक है, कोलिनोमिमेटिक या पैरासिम्पेथोमिमेटिक। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, इसमें आते हैं दोस्तों हमारे कोलिन एस्टर्स, इसके अंदर एसिटाइल कोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल और बैथेनिकोल, ठीक है। फिर है अल्कलॉइड, अल्कलॉइड में दोस्तों मस्कैरिन, फिलोकार्बिन, एरिकोलिन, ठीक है। फिर एंटी कोलिनेस्ट्रेजिस की बात करें तो दोस्तों उसको दो होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कार्बामेट्स, कार्बामेट्स में फाइसोस्टिकमिन, एसरिन भी कहते हैं उसको, न्यूस्टिकमिन, पायरिडोस्टिकमिन, पिट्रोफोनियम, लिवास्टिकमिन, डोनाबेंजिल, गैलेंटामाइन। एक्रिडीन में टैक्लिन आता है, और इरिवर्सिबल पॉलिथिन में मतलब इरिवर्सिबल में जो आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में डाइक्लोस, इकोथायोपेट, मैलाथायोन, डाइजिनोन, टैबुल, सैरिन, फोमन, ये सब आते हैं। कार्बामेट्स में कार्बरिल और प्रोफ्यूज, ठीक है। तो ये तो दिखा रहा था उसमें सेरेटोफ्रैक्टिव यूज को लगे, इसमें कुछ प्रिपरेशन वगैरह भी लिखी हुई है, तो हमें इस पर नहीं ध्यान देना है। तो बेसिकली हमारा कोलिनर्जिक हो गया, और उसके बाद बात करें एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में, एंटी कोलिनर्जिक, ठीक है, जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक होते हैं, उसे याद रखना। पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, या एंटी कोलिनर्जिक हो, मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हो, पैरासिम्पैथोलाइटिक हो, एट्रोपिनिक भी कहते हैं उसको। इसमें हमारा नेचुरल अल्कलॉइड, जिसमें हमारा एट्रोपिन और हायोसिन, हायोसिन का दूसरा नाम स्कोपोलामाइन है दोस्तों। एट्रोपिन आपको पता होगा मस्कैरिनिक एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है, M1 मतलब एम ब्लॉकर होता है दोस्तों। सेमी सिंथेटिक में डेरिवेटिव में होमोट्रोपिन आता है, एट्रोपिन मिथियोनाइट्राइट आता है, हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड आता है, अपना ट्रोपियन ब्रोमाइड आता है, टायोट्रोपियन ब्रोमाइड आता है। सिंथेटिक कंपाउंड में मिथियोनाइट्राइट, सेनीसाइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, एंटी सेक्रेटरी एंटीस्पाज्मोटिक, क्वार्टरनरी कंपाउंड में प्रोपेंथेलिन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिडिनियम, पाइपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, और ये हमारा आता है आइसोप्रोब्रोमाइड, ग्लाइकोपाइरोलेट। टर्सरी अमाइंस में डाइसाइक्लोमीन, वैलिथामेट, पायरेट जाते हैं, ठीक है। वैसिको सिलेक्टिव में दोस्तों ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेबेजोट और टोलटेरिडोन। एंटी पार्किंसनिज्म में ट्राई हेक्सीफेनिडिल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिन और ग्लाइपेडिन आते हैं। तो ये हम क्लासिफिकेशन आज ये दो रखेंगे, बाकी वी विल कवर दिस नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास। और हम क्लासिफिकेशन लगभग आपकी मैं करा दूंगा, लगभग 20 से 25 दिन में कंप्लीट करा दूंगा क्लासिफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको ही कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।